देश भर से आ रही बलात्कार और बलात्कार करने के बाद पीड़ितों की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरपिशाच खुलकर खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मौत की सजा दिया जाना ही एकमात्र उपाय है। हमने न्याय जल्दी हो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, लेकिन सब पे असर होता दिख रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलात्कार के मामलों और पीड़ितों की हत्या किए जाने से बेहद दुखी हैं। दुष्कर्मियों को शिवराज सिंह नरपिशाच की संज्ञा देते हैं। शिवराज सिंह का कहना है नरपिशाच खुलकर खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मौत की सजा दिया जाना ही एकमात्र उपाय है। हमने फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिले ऐसा कानून बनाया, लेकिन ये कानून बेअसर होते दिख रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका, इतना लंबा समय गुजरता है कि न्याय समय पर मिलता नहीं है। इसीलिए जब हैदराबाद में एनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं तो सारा देश खुशियां मनाता है, सारे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नरपिशाच खुल के खेल रहे हैं और इनको मौत की सजा देना ही एकमात्र उपाय है। हमने न्याय जल्दी हो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और फांसी की सजा मिले ऐसे अपराधियों को इसका कानून बनाया, लेकिन वो कानून भी बेअसर होते हुए इसलिए दिख रहे हैं कि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद दया याचिका, इतना लंबा समय गुजरता है कि न्याय मिलता नहीं है। और इसलिए जब हैदराबाद में एनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं तो सारा देश जश्न मनाता है, सारे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हुए हैं। मनुआ भान की टेकरी पर जिस 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके जिसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, डीएनए की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, उसकी माँ रो रही है, भटक रही है दिनों रात, मेरे पास भी आती है और कई बार मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें तो दोनों को, सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र मामला चले, फांसी की सजा हो और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिना विलंब के पुष्टि कर दें तो ये अपराधी फांसी के फंदे पे झूलें, और ये अगर हमने नहीं किया तो ऐसे हम एनकाउंटर में लोग मरेंगे तो जनता खुशियां मनाएगी, सारे सिस्टम पे सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने कहा कि मनुआ भान की टेकरी भोपाल से जिस बेटी के रेप के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, आज 8 माह हो गए, उसके डीएनए की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, उसकी मां रो रही है, भटक रही है दिन रात, मेरे पास भी आती है लेकिन मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें सरकार और कोर्ट दोनों को तत्परता दिखाने की आवश्यकता है, फास्ट ट्रैक में मामला चले, फांसी की सजा मिले और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिना विलंब के पुष्टि कर दे जिससे अपराधी फांसी के फंदे पर झूले। ये अगर हमने नहीं किया तो एनकाउंटर में अपराधी मरेंगे और जनता खुशियां मनाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।